है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट के बारे में। पहले पढ़े थे हम लोग टूल एंड टेक्निक के बारे में, अब पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार किसी चैप्टर से आया है तो वो था बायोटेक्नोलॉजी। इसमें एक है क्राय प्रोटीन, तीन क्वेश्चन था क्राय प्रोटीन से, छोटा सा 4-5 लाइन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत थ्योरेटिकल है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कुछ एनसीईआरटी से अलग है, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट है लेकिन थोड़ा अलग किए हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहा था प्लांट का सेल, एनिमल का सेल और माइक्रोब्स बैक्टीरिया का, सबका सेल यूज करते हैं हम लोग। तो कुछ ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, तो ब्लू पानी के वजह से है, समंदर का पानी, तो मरीन में मतलब समंदर में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें चेंजिंग करके हम निकालेंगे प्रोडक्ट। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को कहेंगे, तो मरीन बायोटेक्नोलॉजी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। और चूंकि जानते हैं आप देखते होंगे कि लाल ऐसे व्हाइट रंग का, सॉरी रेड रंग का ऐसे क्रॉस होता है कि मेडिकल का साइन है, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल है और ग्रे या व्हाइट ये इंडस्ट्रीज है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब तो याद रहेगा, खाली इसको देख लीजिए, ग्रे एंड व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। क्लियर, आसान है। चलिए अब आइए बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा डिफिनेशन होगा। मैंने कहा था बायोटेक्नोलॉजी में इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसमें हम बाहर का डीएनए ला देते हैं, जैसे हमने यहां पर ला दिया इंसुलिन का डीएनए, इंसुलिन जीन ला दिए, तो बैक्टीरिया बनाने लगा इंसुलिन। ये इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है डायबिटीज के लिए, तो यही तो बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक स्पीसीज का जीन दूसरे स्पीसीज में हमने डाल दिया। तो थोड़ा डिफिनेशन दिया है एनसीईआरटी किस ढंग से, वो देख लीजिए। With industrial scale production, तो industrial scale पे production मतलब large production, mass production, large production, ज्यादा production हो रहा है, large number of biopharmaceuticals। इसका मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा biomedicine, biomedicines। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स अदर प्रोडक्ट टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स माइक्रोब्स एंड प्लांट्स। तो हमने जो एनिमल सेल है या माइक्रोब का सेल है या प्लांट सेल है उसमें थोड़ा सा उसके डीएनए में हेर फेर करके हमने बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जो हमारे काम का है वही है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम, जो लोग नए हैं वो ध्यान से पढ़े, ये है बैक्टीरिया का सेल, ये है इसका डीएनए, डीएनए को काटे और इसमें हमने यूकैरियोटिक जीन डाल दिया, इंसुलिन का जीन। अब ये इंसुलिन का जीन इंसुलिन बनाएगा, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। रुकिएगा, होता क्या है ध्यान से सुनिएगा। तो ये इंसुलिन का जीन है, तो इसको यूं समझे आप कि इससे बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन,
ये प्रोटीन इंसुलिन है, ये पहली बात। दूसरी बात, चलिए ये इसका डीएनए है, इसमें हम बाहर का डाल दिए, ये फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। अब इससे बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन, प्रोटीन से बना एंजाइम, एंजाइम कैटालिस्ट है, और ये है सबस्ट्रेट, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और इस एंजाइम के मदद से बन गया प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो गया। तो यहां पे हम एमआरएनए भी ले सकते थे, फॉरेन डीएनए भी ले सकते थे, या इससे बना हुआ एंजाइम ले सकते थे। तो पहला काम आपको करना होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हासिल करना होगा, हाँ या ना? अरे बोलो। अब क्या आप एक ही बैक्टीरिया से पूरे पूरे दुनिया का इंसुलिन का जो खपत है वो पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो करते क्या है कि बहुत बड़ा कंटेनर लेते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग फर्मेंटर या बायोरिएक्टर, और इसमें आपने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया जिसमें फॉरेन डीएनए भी है। अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, देखते देखते मिलियन एंड मिलियन कॉपी बन जाएगा, इनफिनाइट नंबर बन गया। अब सबसे बनेगा प्रोटीन। तो दूसरा है कि इसके ग्रोथ के लिए आप ऑप्टिमम कंडीशन दीजिए, सफिशियंट कंडीशन, बेस्ट कंडीशन दीजिए। दूसरा इसके, पहला तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लिया, जो उसमें जो डीएनए था उसे बना प्रोटीन, एंजाइम, वो कैटालिस्ट का काम किया। दूसरा काम हमने किया कि उसको ग्रो करवाया बायोरिएक्टर में। तीसरा जो निकला है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को निकालेंगे, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, पढ़ा चुके हैं पहले ही, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो तीन रिसर्च करना होगा, पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हासिल करना होगा, उसको आपको ग्रोथ करवाना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सके, कैटालिस्ट को काम करने का मौका देना होगा, कंडीशन देना होगा, और जब बन जाएगा प्रोडक्ट तो निकालना होगा। एनसीईआरटी यही कहती है, इसमें एनसीईआरटी का लैंग्वेज है पूरी तरह से, पढ़ के देखिए क्या लिखे। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, पहला बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड, मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड, यूजुअली ये माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम, या एंजाइम ले लीजिए। इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको, हम देख लीजिए, खास ये डीएनए है, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन, और इस प्रोटीन से बना जाइमेज एंजाइम, इसको कहते हैं ये एंजाइम्स, ये एंजाइमेज एंजाइम बना। अब देखिए ये सब एंजाइम है, ये पुराना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इस एंजाइम को खास किस्म के कैप्सूल में डाल दीजिए, ये एंजाइम्स कैप्सूल में चला गया। अब इसको किसी वायर से, किसी तार से इसको बांध दीजिए कैप्सूल को, इंटरक्रॉस कर दीजिए। अब ये आप हाथ में उठा सकते हैं, ये पूरा जाली है। अब इसको आप फर्मेंट रिएक्टर में डाल दीजिए, या शुगर का घोल दे दीजिए। अब ये शुगर का जो है इस एंजाइम के वजह से चेंज हो जाएगा, शराब में, अल्कोहल में चेंज कर जाएगा, फिर इसको निकाल के यूज कीजिए। तो वही तो कह रहा है एनसीईआरटी, क्या कह रही है, बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स
इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली ए माइक्रोब और प्योर। दूसरा पॉइंट देखिए, क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन, बेस्ट कंडीशन किससे, थ्रू द केमिकल इंजीनियर, ताकि कैटलिस्ट जो है वो ठीक से काम करे। और लास्ट वन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई, अंदर से निकालना है प्रोटीन को या ऑर्गेनिक मटेरियल को, तो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो कितने लिंक हुए, तीन, नाम बताइए कौन कौन सा। पहला इंप्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंप्रूव्ड प्लांट सेल या एनिमल सेल्स या एंजाइम्स, ताकि वो सबसे बढ़िया काम कर सके। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन, ताकि कैटालिस्ट सही ढंग से काम करे। आप बनाए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेपरेट कीजिए, आइसोलेट कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। कितने लोगों को याद हुआ तीनों पॉइंट, कितने लोगों को याद हुआ? वो दोनों स्टूडेंट आई थी आज, आइए। अब देखिए, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है बहुत कुछ दिया है, थेरापूटिक्स इलाज में जो चीज चाहिए, थेरेपी माने इलाज होता है, तो बीमारी को ठीक करने के लिए जो कुछ चाहिए थेरापूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स बीमारी का पता लगाने के लिए जो कुछ चाहिए डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंप्रूव क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, जो फूड प्रोसेस रहता है देखते होंगे मार्केट में, जो पैकेट में बहुत सारा चीज मिलता है, एनर्जी प्रोडक्शन, गंदगी को ठीक करना, याद होगा वेस्ट ट्रीटमेंट पढ़ा चुके हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट याद है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और सबसे इंपॉर्टेंट है बायो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन, इसको मिल जाएगा आगे, फिलहाल मैं बता दूं। इसमें किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करके, प्लांट या माइक्रोब का यूज करके, जो इन्वायरमेंट कॉन्टामिनेटेड है, दूषित है, उसको ठीक करेंगे। जैसे मान लो इस मिट्टी में हैवी मेटल बहुत ज्यादा है, हैवी मेटल ज्यादा है, प्लांट उसको अब्सॉर्ब करेगा, उस प्लांट को एनिमल खाए, एनिमल को भी प्रॉब्लम हो, उस एनिमल को हम लोग खाए या उस क्रॉप को खाए तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा, तो उसको हटाना है, तो हमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया या किसी प्लांट का यूज किया, दैट इज नोन एज बायो रिमेडिएशन। फिर से बोलो, बायो रिमेडिएशन का मतलब यूज ऑफ सम प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, सॉइल और एयर, किसी चीज को जो दूषित चीज है उसको हटा देंगे, कॉन्टामिनेशन को, कॉन्टामिनेट को हटाएंगे। समझ में आया बायो रिमेडिएशन, ये मिल जाएगा आगे। अब आइए, ये सिलेबस में क्या कहता है आपको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूजर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पढ़ना है आपको, एग्रीकल्चर की दुनिया में पढ़ना है, मेडिसिन की दुनिया में पढ़ना है, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, फिर से बोलो, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और ट्रांसजेनिक एनिमल, इसका कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है, तो कोई जेनेटिकली इंप्रूव्ड चीज बनाया है उसकी चोरी, पायरेसी माने चोरी, नहीं मालूम तो लिख लेगा, पायरेसी माने चोरी, पायरेसी माने चोरी, अब बायो पैटर्न, पैटर्न माने अधिकार, जो हम खोजे हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है उसको कोई चोरी नहीं करे, तो उसको उसका लाइसेंस ले लें, तो बायो पैटर्न, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, चोरी और अधिकार, यह है इथिकल इशू। इथिकल इशू का मतलब होता है मोरल मामला, इशू माने मामला, ये आपका सिलेबस है, इसी को डिटेल करना है। चलिए, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं उसको, ग्रीन
रिवॉल्यूशन। चलिए पहला पॉइंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अचीव्ड, कैसे मिला? इंप्रूव वैरायटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप का बढ़िया भरा बढ़िया वैरायटी इसके वजह से मिला। दूसरा है बेटर मैनेजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट है, फर्टिलाइजर का यूज किया गया, हर्बिसाइड्स हर्ब को मारने के लिए, वीट को मारने के लिए, पेस्ट कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इस चीज का यूज करने से पोल्यूशन हो जाता है। फिर से बोलो, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे मिला हमने देखा। अच्छा एक मिनट और देख लीजिए, रियल में पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में तीन प्लांट का नाम बताइए जिसका प्रोडक्शन बढ़ा, तो आप तो जानते हैं व्हीट, राइस, एक और है मेज, नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, कभी भी आ जाएगा नया क्वेश्चन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ ये तीन का प्रोडक्शन बढ़ा, व्हीट, राइस एंड मेज। ऐसा क्यों ठीक से पैसा जो दो हजार दिए थे क्यों ठीक से? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत लोगों का भूख जो है वो बहुत लोगों की भूख मिटी, लेकिन फूड का जो इंक्रीजिंग हुआ इतना नहीं हुआ कि सबका पेट भर जाए, अभी भी कुछ लोग भूखे हैं। इंक्रीजेस फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, बट स्टिल सम पीपल्स आर हंग्री। सॉल्यूशन माने उपाय, उपाय क्या था? बायोटेक्नोलॉजी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत लोगों को की भूख मिटी, लेकिन सारे लोग के लिए कि सारे लोगों की भूख नहीं मिट पाई। ये था एनसीईआरटी, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा छोटा दिख रहा है, दिख रहा सब? हाँ चलो ठीक है। नहीं हो जाएगा, बड़ा हो गया। चलो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर देख रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक प्लांट, ये हेडिंग है आपका। जीएम क्रॉप्स कंटेन एंड एक्सप्रेस वन या मोर यूजफुल फॉरेन जीन या ट्रांसजीन, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट वो प्लांट है जिसमें एक या एक से ज्यादा बाहरी जीन है। सपोज कीजिए कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट में हमने एक खास बैक्टीरिया का क्राइजीन मिला दिया है, तो इसके अपने जीन के साथ हमने एक जीन मिलाया क्राइजीन, ये कैसा हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। समझ में आया? तो जो बाहरी जीन है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, फॉरेन जीन या ट्रांस जीन या एलियन जीन? अब एनसीईआरटी क्या कहती है, जीएम प्लांट हैज बीन यूजफुल इन मेनी वे, क्या 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 मदद करता है, क्या क्या इसका एडवांटेज है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग एकदम। पहला है, जीएम क्रॉप्स कैन हेल्प, यही रहा मेन पॉइंट, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। तो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम हुआ है जीएम क्रॉप के वजह से, आगे मिलेगा, सुनो मेरी बात को ध्यान से। अभी अभी मैंने बताया कि क्राइजीन को हमने डाला था इस प्लांट में, ये प्लांट कॉटन का प्लांट हो सकता है। अब क्या होगा अगर कोई इंसेक्ट इसको खाने के लिए आता है, तो वो अगर इसकी पत्ती थोड़ी खा जाती है तो क्राइजीन का जो प्रोडक्ट है वो चला जाएगा उसके अंदर और वो मर जाएगा, किल्ड। फिर से बोलिए, क्राइजीन का काम ये इंसेक्ट को मारता है, तो वो जीन को हमने इस प्लांट में डाल दिया, इस प्लांट को जो खाएगा वो मर जाएगा। तो बताइए कि इस प्लांट में आप कीटनाशक छींटेंगे या नहीं छींटेंगे?
इंसेक्टिसाइड छीटेंगे कि नहीं छीटेंगे? नहीं छीटेंगे, क्योंकि ये खुद प्लांट ही काम कर रहा है इंसेक्टिसाइड पर, तो केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज कम हो गया, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम करता है। नेक्स्ट, जीएम क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, अंडरलाइन किया हुआ है, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे ठंड, सुखार, मिट्टी में नमक या गर्मी से बचा लेता है। तो ये वाला पॉइंट हुआ, और दूसरा केमिकल्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जबरदस्त पॉइंट है। दे हैव हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्टिंग माने कौन कौन समझते हैं, हाथ उठाइए। तो हार्वेस्टिंग, स्नेहा तुम समझती है, खेत में से काट के जो अनाज है जो लाते हैं उसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई करना। तो कहता है कि दे हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर देखे होंगे तो टमाटर जो खेत से आया दो तीन दिन में बिक गया तो ठीक है, नहीं तो सड़ जाता है, घुल जाता है। कितने लोगों को अंदाजा है इस बात की अंदाजा कितने लोग को है भाई? सब लोग को है। लेकिन ये दो दो महीना तक खराब नहीं होता फ्लेवर सेवर टमाटो। इसको नोटबुक में लिखे तो मैं कुछ पॉइंट और लिखाऊंगा। फ्लेवर सेवर टोमेटो लिखो, फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो लिखा, फ्रेशनेस मोर, टेस्ट मोर। ताजा का ताजा रहता है दो दो महीना और खाने में भी बढ़िया लगता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो, दो फायदा। तो टमाटर को हमने खेत से लाके मार्केट में लिया, दो महीना तक वो फ्रेश लगता है। चलिए आगे देखिए, इंक्रीज यूज ऑफ मिनरल यूजेस, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट माने लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब समझो, ध्यान से समझो, जो नॉर्मल प्लांट होता है वो ज्यादा से ज्यादा मिनरल लेता है मिट्टी से, लेकिन उसका रियल यूज बॉडी के अंदर कम करता है। कुछ लोग को देखेंगे दुबला पतला रहता है लेकिन खाता बहुत ज्यादा है। कितने लोग देखें ऐसे लोगों को? इसका मतलब हुआ कि बॉडी जो है उसका एब्जॉर्ब कम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि बहुत ज्यादा नहीं खाता लेकिन हिस्ट पुष्ट है, क्योंकि उसका बॉडी जो खाता है उसका यूटिलाइज करता है। तो ये प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा मिनरल का यूज करता है अपना टिश्यू बनाने में। इसका मतलब वो ज्यादा बर्बाद नहीं करता है, प्रिवेंट द अर्ली एग्जॉस्ट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। उसके बाद अब मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है, इनहांस, विटामिन ए से भरपूर गोल्डन राइस। अब आप खुद लिखिएगा, नोट पे लिखिए तो गोल्डन राइस, राइस प्लांट सेल हैज बीटा कैरोटीन जीन फ्रॉम डेफोडिल।
अब राइस प्लांट में हमने बीटा कैरोटीन का जीन डाला है, ये डेफोडिल से आया है। अब ये जीन आगे चल के बनाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहते हैं प्रो विटामिन ए, यही वैरायटी हो गया, नया वैरायटी बना गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए नहीं होता है बल्कि बीटा कैरोटीन का जीन होता है। अब रुकिएगा, माने बीटा कैरोटीन होता है, नॉट उसमें जीन है इसलिए बीटा कैरोटीन उसमें जाता है। अब आइए, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, जब खाना खाया या चावल तो पेट में क्या हुआ, बीटा कैरोटीन जिसको कहा, मैंने कहा था प्रो विटामिन, वो चेंज कर जाता है इन विटामिन ए रेटिनोल। तो कल क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है कि बीटा कैरोटीन होता है, आप बोलिएगा बीटा कैरोटीन। इसीलिए कैरोट गाजर इसी से बना है, गाजर में विटामिन ए होता है, रियल में गाजर में विटामिन ए नहीं होता है, बीटा कैरोटीन होता है। जब आप गाजर खाते हैं तब आपके बॉडी में अंदर जाने के बाद एलिमेंट्री कैनाल में वो कैरोटीन विटामिन ए में चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? तो बताइए गोल्डन राइस गोल्डन क्यों दिखता है, बीटा कैरोटीन के वजह से। किसके वजह से, बीटा कैरोटीन। तो जब ये राइस खाते हैं आप तो बीटा कैरोटीन चेंज कर जाता है किसमें, विटामिन ए में। तो कल पूछेगा कि बताइए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि बीटा गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है कि विटामिन ए होता है, आंसर बोलो, बीटा कैरोटीन या विटामिन ए, एक नंबर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा रेटिनॉल। अब आइए, ये भी ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, हर्बिसाइड्स वीट किलर अनवांटेड प्लांट को मारता है, और हमने देखा कि मेरे खेत में अनवांटेड प्लांट बहुत ज्यादा है, और उस तो ये जो है हार्म नहीं करता है जीएम क्रॉप को। जीएम प्लांट हम यूज करते हैं आजकल, ऑल्टरनेट सोर्स है फॉर द इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स, मोलिकुलर फार्मिंग। मतलब समझिए, आजकल जो कुछ खेती ऐसी होती है जो कि जीएम प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जो ज्यादा से ज्यादा स्टार्च बनाएगा, दवा बनाएगा, फार्मास्यूटिकल माने मेडिसिन, और फ्यूल ईंधन भी बनाता है, इसको कहते हैं मोलिकुलर फार्मिंग। फायोरिमेडिएशन, फैटो माने प्लांट, हम प्लांट लगाएंगे मिट्टी में और उसका हैवी मेटल कॉन्टामिनेशन खत्म हो जाएगा, दूषित पदार्थ खत्म। बताया था ना अभी, पढ़ के देखिए, फाइटो रिमेडिएशन, प्लांट का नाम ऐसे दिए हैं, ने पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलर ट्री जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है जो क्लीन कर देता है हैवी मेटल पोल्यूशन फ्रॉम द कॉन्टामिनेटेड सॉइल। तो अगर बायो रिमेडिएशन का डिफिनेशन बोलिए, जल्दी बोलिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू क्लीन द कॉन्टामिनेटेड एनवायरमेंट। क्लियर हुआ, समझ गए? एक बार फिर से इसको हम लोग देखेंगे, चलिए पहला केमिकल पेस्टिसाइड्स। चलिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम कर देता है कैसे, अभी अभी बताया था क्राई प्रोटीन
ये बैक्टीरिया बनाता है, खास किस्म का नाम देख लेंगे हम लोग। अगर इस जीन को हम अगर प्लांट में डाल दें तो जो इंसेक्ट इसको खाएगा प्लांट, वो इंसेक्ट मर जाएगा। तो अब वो प्लांट खुद बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट के रूप में काम करने लगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, मोर टॉलरेंट, इसे याद रखने का तरीका है, ये ज्यादा से ज्यादा एबायोटिक स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। नॉर्मल प्लांट सुखार को बर्दाश्त नहीं करेगा, फ्लड को बर्दाश्त नहीं करेगा, मिट्टी में सॉल्ट है बर्बाद नहीं करेगा, फोग कुहासा ज्यादा है नहीं बर्दाश्त करेगा, ठंड ज्यादा है नहीं करेगा, गर्मी है नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन ये प्लांट कट जाएगा, ये भी खत्म। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ऐसा होता है कि कटाई करने के बाद जो मार्केट में माल जाता है जल्दी बिक गया तो ठीक, नहीं तो वो सड़ने लगता है। लेकिन जो जीएम क्रॉप होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग लाइफ उसका ज्यादा होता है। उसमें से एक एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये वो टमाटर है खेत से लाने के बाद अगर मार्केट में 2 महीना तक नहीं बिक रहा है तो खराब नहीं होता, इसका टेस्ट भी बढ़िया होता है। उसके बाद हमने कहा अर्ली प्रिवेंट से ये रहा, जीएम क्रॉप जितना मिनरल लेता है वो सारे को सारा यूज करके अपना प्रोटोप्लाज्म अपना ग्रोथ में यूज करता है, बर्बाद नहीं करता है, यानी ये प्रिवेंट करता है अर्ली एग्जॉस्ट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। न्यूट्रिशनल वैल्यू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने कहा गोल्डन राइस का एग्जांपल जिसमें विटामिन ए से भरपूर कई बार आ चुका है, तो मैंने कहा कि डेफोडिल से बीटा कैरोटीन का जीन निकाल के अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये बीटा कैरोटीन बनाएगा और इस चावल को खाने के बाद ये बीटा कैरोटीन चेंज हो जाएगा विटामिन ए में। अल्टरनेट सोर्स पहला, और दूसरा मॉलिक्यूलर खेती, फार्मिंग माने खेती। कुछ जेनेटिकली खास जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स अगर हम लोग अपने खेत में लगाए तो ज्यादा ज्यादा, मान लीजिए सपोज कीजिए तुलसी का प्लांट हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दी, तुलसी में हम लोग क्या खाते हैं, पत्ती, पत्ती चौड़ी चौड़ी हो जाए, पत्ती जो है ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है ना, है ना। उसके बाद फ्यूल, फ्यूल देख रहे हैं ना, स्टार्च। अब बायो रिमेडिएशन का तो मीनिंग बताए थे, ध्यान दीजिएगा पुराना क्वेश्चन में मिलेगा। सर्टेन प्लांट्स, मेरे नोट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रोड्यूस अल्कोहल OH। ब्राजील में मोस्ट ऑफ द कार रन ऑन अल्कोहल, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जो करना कीजिए। लड़की कहां पर है, गुल्लास खातून हाथ उठाओ, साथ में कौन है, तुम फोन करो तो क्लास के बाद, समझी, अरे हाँ या ना, हाँ फोन करेगी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तुमको यहां से हटा देंगे। सुमन कुमारी वीडियो ऑन करो, अनिकेत राज, अंकित, खुशबू वीडियो ऑन करो, अमित राज,
उरत, किधर देख रही हो? क्लास समझ में आ रही है? क्लास के बाद फोन करना तुम भी। अच्छे अब आइए क्राइपोटीन। सही, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, जबरदस्त पॉइंट है। हेडिंग है क्राइपोटीन। अब पहली बात है खास बैक्टीरिया बेसिलस थ्रुंगोजेनेसिस। बैक्टीरिया का नाम नहीं भूलना है, जो लोग 12 पढ़े होंगे नाम जरूर मालूम होगा उसको। बेसिलस थ्रुंगोजेनेसिस इसके पास क्राइजीन होता है। देखो जब क्राइपोटीन लिखते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं क्राइपोटीन, लेकिन जब क्राइजीन लिखेंगे तो इटैलिक में लिखेंगे, याद रखिएगा। और ये मिलता कहां है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मतलब मैंने बताया था बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए होता है गोल, एक होता है और छोटा सा गोल, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। और यही बनाता है टॉक्सिन, याद रखिएगा डेल्टा टॉक्सिन। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कौन सा टॉक्सिन? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा? क्या बोलिएगा? डेल्टा टॉक्सिन। इंडोटॉक्सिन की एक्सोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन बॉडी के अंदर होता है इसलिए इंडोटॉक्सिन, इसी को कहते हैं क्राइपोटीन, इसी को कहते हैं हम लोग क्राइपोटीन या बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन दोनों नाम है, आगे मिल जाएगा। और ये प्रोटीन किल करता है लार्वी ऑफ सर्टेन इंसेक्ट। फिर से बोलिए, क्राइपोटीन कौन बनाता है? तो बेसिलस थ्रुंगोजेनेसिस। कैसा प्रोटीन है? इंडोटॉक्सिन। ये जीन कहां मिलेगा आपको अगर याद होगा? ये वाला मिलता है जो क्रोमोसोम, इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। तो मिलता है कहां? प्लाज्मिड में। और ये मारता है लार्वी ऑफ ऑल इंसेक्ट ने सर्टेन। अब आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइपोटीन। लगभग 40 होता है क्राइपोटीन, लगभग 40, और हर क्राइपोटीन खास किस्म के इंसेक्ट को मारेगा, इफेक्टिव अगेंस्ट लार्वी ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। चूंकि ये जो जहर है क्राइपोटीन, टॉक्सिक क्राइपोटीन, ये मिला है मुझे बेसिलस थ्रुंगोजेनेसिस से, इसीलिए इसको कहते हैं बीटी टॉक्सिन। क्वेश्चन आ चुका है बीटी टॉक्सिन से बी क्या है, टी क्या है? तो बी से बोलो बेसिलस, टी से बोलो थ्रुंगोजेनेसिस। और जीन को बोलते हैं बीटी टॉक्सिन जीन या क्राइजीन। तो क्राइजीन का क्राइजीन या बीटी टॉक्सिन जीन या बीटी टॉक्सिन या क्राइजीन क्राइपोटीन। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है एग्जांपल में, बीटी कॉटन में, कॉर्न में, राइस में, पोटेटो में, सोयाबीन, कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। आरसीसी रॉड, कॉन्क्रीट, सीमेंट, सॉलिड पाथ, रास्ता सॉलिड। आर से बोलो राइस, सी से बोलो कॉटन, सी से बोलो कॉर्न, एस से बोलो सोयाबीन, पी से बोलो पोटैटो। याद करो, भी 20 सेकंड में याद करो आरसीसी एसपी का पूरा नाम, आरसीसी एसपी। आर से राइस, सी से कॉटन, सी से कॉर्न, एस से सोयाबीन, पी से पोटैटो।
अब आइए यहां देखिए, तो ध्यान से पढ़िए, द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैविंग द क्राई या बीटी टॉक्सिन जीन डू नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए उसको द प्रोटेक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद काम कर रहा है कैसा, बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर रटने वाला आ गया, देखो कौन कौन है, लेपिडोप्टेरंस ये ग्रुप है, टारगेट है क्राई प्रोटीन का, टोबैको बर्डवर्म आर्मी वॉर्म्स, कोलियोप्टेरन में है बीटल्स, और डिप्टेरन ग्रुप में है ये ऑर्डर है फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। फिर से पढ़िए इसको, देखो इसको याद रखना है, इसे लेट कॉल बी, लेट कॉल बी, बी को पुकारने दो, ऐसे याद रखो, डीप मोस्ट फ्लाई, तो एल से बोलो लेपिडोप्टेरन, ए से बोलो आर्मी वॉर्म्स, टी से बोलो टोबैको बर्डवर्म, कॉल से बोलो कोलियोप्टेरन, बी से बोलो बीटल्स, डीप से बोलो डिप्टेरन, मोस्ट से बोलो मॉस्किटोस, फ्लाई से बोलो फ्लाइज, याद कीजिए इसे, आधा मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी याद कीजिए, कोड सब नहीं, नोट में नहीं है, उतारते जाओ, कोड में नहीं है, कुरत नोट कोड उतार लो, ऐसे बोलो लेपिडोप्टेरन, ए से आर्मी वॉर्म्स, टी से टोबैको बर्ड वॉर्म्स, कॉल से कोलियोप्टेरन, बी से बीटल्स, डीप मोस्ट फ्लाई, डिप्टेरन, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, दो तीन बार दिमाग में करते रहिएगा, याद हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज खास जरूरत नहीं है, मेन चीज यहां है, देखो ये कॉटन का सेल है, ध्यान दीजिए, इसके सेल में हमने डाल दिया है क्राइजिन, क्या डाल दिया, क्राइजिन, क्राइजिन निकाले कहां से, बैक्टीरिया से, बेसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस से निकाले, अब ये बनाएगा इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन, देखो यहां पर कुछ है प्रोटॉक्सिन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये कॉटन के अंदर प्रोटॉक्सिन बना हुआ है, जब कोई इंसेक्ट खाएगा तब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलिए, कॉटन के पास क्या है, हैज क्राइजिन, तो ये बनाया क्राई प्रोटीन, अभी ये इनएक्टिव है, यानी कि ये अभी टॉक्सिन के नहीं है बल्कि प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव है, इमेच्योर मत बोलिएगा,
ये इनएक्टिव है, ये है इसके अंदर, ये कॉटन के अंदर है। अब कोई इंसेक्ट फीड करता है, खाता है सच प्लांट, तब क्या होगा? देखिए, ये है गट एलिमेंट्री कैनाल, इसका सेल है, एलिमेंट्री कैनाल का ये सेल है इंसेक्ट का, इंसेक्ट का है गट। अब ये प्रोटॉक्सिन जो है, ये अल्कलीन, चूंकि मालूम है ना गट का जो पीएच होता है वो ज्यादातर अल्कलीन होता है, अब ये बन जाएगा एक्टिव टॉक्सिन, खास करके मिड गट में। गट को तीन होता है, फोर गट, मिड गट, हैंड गट। अब ये टॉक्सिन काम करेगा सेल पे, और सेल में कर देगा छेद, अब फ्लूड जाएगा और बाद में ये लाइसिस हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। फिर से बोलो, ए हमने कॉटन में डाला क्रायोजीन, कहां से निकाला? बेसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस। ये बनाया क्राइप्रोटीन, इनएक्टिव है प्रोटॉक्सिन। इंसेक्ट जब ऐसे प्लांट को खाता है तो अल्कलीन मीडियम के वजह से प्रोटॉक्सिन चेंज कर जाता है टॉक्सिन में, और ये टॉक्सिन का टारगेट बन जाता है एलिमेंट्री कैनाल का सेल, इसमें बोर कर देता है, छेद कर देता है, स्वेल होता है और फट जाता है, और इंसेक्ट का हो जाता है डेथ। इसी चीज को मैंने बताया है टॉक्सिन। अब उसको खाया कौन? अभी बताया ना, टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन चेंज हो गया टॉक्सिन में, पोर फॉर्मेशन, गट सेल रप्चर और हो गया डेथ। इसका ले लीजिए, आपके नोट में नहीं है, स्क्रीनशॉट। जल्दी देखिए, अब पढ़िए, कहता है जो इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जीन किस फॉर्म में है? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में है, क्रिस्टलिन स्टेट है, क्रिस्टल है अभी। तो पूछेगा, ए जो बैक्टीरिया पैदा किया था, ध्यान से सुनो, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन पैदा किया था बीटी टॉक्सिन, वो क्यों नहीं मरता है? हाथ उठाइए, बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता है? तो अपने अपने ही टॉक्सिन से कुरत, क्योंकि वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन पैदा करता है, इसीलिए नहीं मरता है। समझ में बात आई? गधा सब ठीक है, हाथ भी नहीं उठाता है। तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो बैक्टीरिया पैदा किया था वो इनएक्टिव फॉर्म में है। As many insect feed over the plant. अगर आपको नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, अबाउट, लिख लो, बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता रहा हूं, अबाउट 25% इंसेक्ट्स आर, अबाउट 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस, प्लांट को खाने वाला फेगस, फाइटोफेगस। 25% इंसेक्ट फाइटोफेगस है। चलिए पढ़िए, एज मेनी इंसेक्ट फीड ओवर द प्लांट, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल पास कर गया गट में, where alkaline pH solubilize the crystals and convert protoxin into toxin. ये toxin चिपक गया epithelial cells of midgut insect के, produce the pore, result in swelling, lysis मैंने फट गया cell, the insect died. समझ गए तो हाथ उठा दीजिए, बच्चों समझ गए तो हाथ उठाओ, raise your hand जो समझ गए, नहीं हाथ उठाओ तो हमको फिर से मैं पढ़ा दूंगा। ए मोहम्मद राशिद,
मोहम्मद राशिद, अब आइए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था जो क्राय प्रोटीन है वो अलग अलग है, इसका मतलब क्राय प्रोटीन का जो जीन होगा वो भी अलग अलग है, 40 तरह का जीन होता है, और ये जो जीन है ये बनाएगा 40 तरह अलग अलग टाइप का प्रोटीन, क्राय प्रोटीन। तो अगर आपको कहा जाएगा कि भैया इस कॉर्न में आप डाल दो क्राय प्रोटीन, क्राय जीन डाल दो, तो आप कौन सा जीन डालेंगे? आपको ये जानना पड़ेगा कि इसको कौन सा इंसेक्ट इन्फेक्ट करता है, इसमें जो अटैक करता है कौन सा इंसेक्ट, उसी के अकॉर्डिंगली इसको चुनना होगा। तो कहना होगा टू इन, सुनो मेरी बात को, टू इंसर्ट द क्राय जीन इन ए पर्टिकुलर प्लांट इज रैंडम या इज डायरेक्टेड प्रोसेस, रैंडम है या डायरेक्टेड है? डायरेक्टेड है। यू मस्ट फर्स्ट यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ द इंसेक्ट इज अटैकिंग द प्लांट, उसी के अकॉर्डिंगली क्राय जीन चुनना। पर ये अच्छा पॉइंट, सिंस डिफरेंट क्राय प्रोटीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द डिफरेंट इंसेक्ट, द चॉइस ऑफ द जीन टू बी इनकॉर्पोरेट डालेंगे डिपेंड्स अपॉन द इंसेक्ट ग्रुप आक्रमण करना इनवेडिंग पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट्स। एनसीईआरटी का एक भी लाइन मैंने नहीं छोड़ा, ये पढ़ा चुका, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, देखो यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, बीटी कॉटन को अटैक करता है बॉल वॉर्म्स। सुन लीजिए, आप लोग में से कितने लोग हैं जो कॉटन का प्लांट देखे हैं? अगर आप देखे होंगे तो प्लांट के ऊपर में इस तरह से रुई का बॉल होता है, कितने देखे हैं बॉल? हाँ, इसीलिए याद रखना आसान, बॉल वॉर्म्स। और जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, जो कॉटन प्लांट को, जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, उस लार्वा का नाम है कैटरपिलर। नहीं मालूम है तो लिख लो, इट इज द नेम ऑफ लार्वा, पर्टिकुलर नेम ऑफ लार्वा, कैटरपिलर इज द नेम ऑफ लार्वा। छोटी छोटी बातें हैं, और ये नाजुक पार्ट को चबा चबा के खाता है। इट अटैक एंड बो इन द टॉप टेंडर पार्ट, मतलब ऊपर वाला पार्ट, नाजुक पार्ट ऑफ सूट, यानी के सूट अपेक्स, फ्लोरल बर्ड्स बॉल। तो आप एक काम करो ना, उस कीड़ा को मारने के लिए स्प्रे कर दो इंसेक्टिसाइड, क्या दिक्कत है? मार्केट में है लेकिन बड़ा खर्चीला है, एक्सपेंसिव भी है, और इससे पोल्यूशन भी होगा। तो स्प्रे करेंगे, उसको मारेंगे, तो खर्चीला भी है और पोल्यूशन भी है। तो आप उसमें जीन डाल दीजिए कॉटन में, टू क्राय जीन, क्राय 1AC और क्राय 2AB जीन को डाला गया है कॉटन में। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप बना है कॉटन का, इसको कहते हैं बीटी कॉटन, क्योंकि इसके पास बीटी टॉक्सिन जीन है अगेंस्ट द कॉटन बॉलवर्म्स। कॉटन की खेती खूब जबरदस्त होता है मालवा पंजाब में, आ चुका है क्वेश्चन। देखो इसको याद रखने का तरीका, कॉटन में इसको याद रखना, एयर कंडीशन AC, आपको नंबर 1 AC खरीदना है या 2 नंबर खरीदना है? हाँ तो उंगली दिखाइए, नंबर 1 खरीदना है AC, इसलिए 1 AC, और उसके बाद A और B, ये पहला लेटर दूसरा AB, याद रहेगा। फिर से बोलो, क्राई AC 1 के 2 1। अब एक और जीन है, तो भैया AB, ये पहला ये दूसरा, तो लगा देते हैं 2, याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। जल्दी से देख लीजिए इसको, एनसीईआरटी लिखता है। एक और है बीटी कॉर्न, अभी वहां पर कॉटन में क्या क्या दिए थे बाबू? क्राई
AC1 AB2, या उल्टा कर लेना, Cry1 AB, बस ये डाले हैं। और ये कौन बोरर से देता है सुरक्षा, कौन बोरर छेद देता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मिट्टी में रहने वाला बैक्टीरिया है। इसका यूज करते हैं बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड का काम करता है। और एक जबरदस्त पॉइंट इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन मेनी बीटी स्ट्रेन वैरायटी बैक्टीरिया का प्रोड्यूस द क्राई प्रोटीन। तो याद रहे, ये पूछेगा बैक्टीरिया जो है जो क्राई प्रोटीन बनाता है वो जमा कहां करता है, इन स्पोर। तो ये तभी बनाएगा जब स्पोर बनाएगा, स्पोरुलेशन के समय में स्पोर में रखता है। इसीलिए आपको याद है, आप कितने लोगों को याद है, झूठ नहीं बोलना, हमने कहा था कि क्राई प्रोटीन का डस्ट पुड़िया में मिलता है, किसान इसको खरीदता है, पानी में घोल के खेत में छिड़ देता है। कितने लोगों को याद है? वैसे नहीं होगा मेडिकल, अगर अभी से दम नहीं लगाए तो नहीं होगा मेडिकल। ये बताए थे माइक्रोब्स कि छोटे छोटे पुड़िया में पान उसको रखते हैं, जैसे कि हम लोग पॉच का यूज करते हैं, तो पानी में घोलते हैं, प्लांट में छीट देते हैं, उस क्या बोले थे, स्पोर। इतने माले में तो लिख लो इसको। तो याद रहे, बैक्टीरिया क्राइपोटीन बनाता है अपने स्पोर में। आइए, बीटी कॉटन को बनाया गया था इंडिया में, महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी, शॉर्ट फॉर्म देखो मैको। टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। कुरत, तुम ये नहीं पढ़ी है लेकिन फिर भी टेस्ट दो, पहला चैप्टर था ना, दे दो। जो लोग नहीं भी पढ़े तो टेस्ट दीजिए, आज से टेस्ट स्टार्ट हो गया।